अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ भोजपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 203.97 ग्राम गांजा, अवैध अग्नयास्त्र तथा कारतूस के साथ गढ़नी थाना का टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गढ़नी थाना अंतर्गत विकास यादव पिता विनय यादव, ग्राम बड़ौरा थाना गढ़नी जिला भोजपुर के द्वारा चोरी छिपे अवैध गांजा की तस्करी की जा रही है। उक्त सूचना का सत्यापन अवैध गांजा की बरामदगी तथा गांजा तस्करों में संलिप्त अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर आरा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष गढ़नी तथा थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारियों सशस्त्र बलों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विकास यादव के घर रेड छापेमारी किया गया। पुलिस को आता देख विकास यादव भागने लगा, जिसे सशस्त्र बलों के द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया तथा उसके सशरीर विधिवत तलाशी लिया गया तो उसके पास से एक देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की लगातार मादक पदार्थों और जो अवैध मादक पदार्थ हैं साथ साथ जो अवैध अग्नयास्त्र हैं उसके खिलाफ कार्रवाई चलती है उसी की कड़ी में जो है गढ़नी थाना अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें गढ़नी थाना का ये टॉप 10 क्रिमिनल भी है जिसका नाम विकास यादव है। ये बड़ौरा गढ़नी का रहने वाला है। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी गढ़नी थाना को प्राप्त हुई कि ये एक विकास यादव नाम का क्रिमिनल है और कुछ और लोग वहाँ पर गांजा की तस्करी करते हैं और इसी आसूचना के आधार पर गढ़नी थाना अध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई की गई। जब छापेमारी की गई तो इस अभियुक्त के पास से जो है पहले हथियार बरामद हुआ और 2 कारतूस और उसके बाद जब आगे उससे पूछताछ किया गया उसके घर में रेड छापेमारी की गई तो घर में भी उसके लगभग 200 ग्राम से ज़्यादा जो है गांजा की प्राप्ति हुई। बाकी वो कुछ बिक्री कर चुका था। हम लोग इसमें पता कर रहे हैं कि और लोग कौन कौन थे जो वहाँ से खरीदारी करके ले गए हैं। तो इसके पास से जो बरामदगी हुई है 203.79 ग्राम गांजा और 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ में इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। ये लगभग आधा दर्जन कांडों में जो कि आर्म्स एक्ट हत्या और 324 और चोरी तथा छिनैती के कांडों में जो है अलग अलग ये वांछित था। इस तरीके से ये जो है उस क्षेत्र में जो है कि एक अपराध जगत में जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था। तो इस तरीके से इसकी गिरफ्तारी से जो है भोजपुर पुलिस को एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है।